हेलो सेकंड क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11, ना थकना ना अकना ना हारना तू। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 43। चाहे रहे ना निशा तक बाकी हमारा, ना थकना ना अकना ना हारना तू। है अभी बहुत दूर मंजिल मुसाफिर, ना थकना ना अकना ना हारना तू। है अभी कांटों का रास्ता भी, ना फूलों का दामन थामना तू। है अभी बाकी आसमां यह समंदर, ना धरती को मंजिल मानना तू। है इन्हीं राहों से वास्ता हमारा, इन्हीं पर कदम बढ़ाना तू। कदम मिलाकर चलते चलते शिखरों पर चढ़ जाना तू। निर्बल का सहायक बनकर सबका हाथ थामना तू। गीत एकता का गाते गाते देश हित को लक्ष्य बनाना तू। है अभी बहुत दूर मंजिल मुसाफिर, ना थकना ना अकना ना हारना तू। ओके, आज हमने पढ़ा ये पार्ट 11, ना थकना ना अकना ना हारना तू। ओके, अब हम करेंगे इनके शब्दार्थ। ओके, ओपन योर नोटबुक, राइट द डेट 11/9/2020। ओके, निशा निशान, मुसाफिर यात्री, थामना पकड़ना, हित भलाई, निर्बल कमजोर, अकना तंग आना, शिखर चोटी, आसमां आसमान, राहों रास्तों। ओके, अब हम करेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, हमें कब तक हार नहीं माननी चाहिए? उत्तर, हम जब तक अपनी मंजिल को पा ना ले तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, इस कविता में किन राहों पर चलने की सीख दी गई है? उत्तर, इस कविता में जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीख देगी है। नंबर 3, हमें किसका सहायक बनना चाहिए? उत्तर, निर्बल मनुष्य का सहायक बनना चाहिए। नंबर 4, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस कविता में इंसान को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। ओके, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करना। ओके, थैंक यू।